हाय वेलकम बैक टू इंडियन मॉम दीपिकास किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो आज हम बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही दानेदार, बिल्कुल मार्केट जैसी नान खटाई की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत ही कम सामान में बन जाती है। घर में मौजूद जो सामान है उसी से बन जाती है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो बच्चों से लेकर हम बड़ों तक को खाने के लिए चाहिए होता है। मार्केट से लाकर हम नहीं खा सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम सामान में हम ये नान खटाई जो है वो घर में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और हम यहाँ पर डाल रहे हैं आधा कप घी। आप यहाँ पर डालडा या रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना हमने घी लिया है ना, उतनी हमें शुगर लेनी है। अब पहले हम घी को अच्छी तरह से जो है वो फेंट लेंगे। तो अच्छी तरह से थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और ये जो घी लिया है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है, फ्रिज से एकदम निकाल कर आप घी का यूज़ ना करें। और जितना हमने यहाँ पर घी लिया था उतनी ही क्वांटिटी में हमें यहाँ पे चीनी का पाउडर लेना है। यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर का यूज़ किया है, तो नान खटाई बनाने के लिए हमेशा पाउडर शुगर का ही यूज़ करें। तो इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे एक क्रीमी टेक्सचर्स आने तक। तो ये क्रीमी टेक्सचर्स आ गया है, मैंने कंटिन्यूसली इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेंटा था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए है घी और शक्कर का, जिससे हम नान खटाई बनाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप मैदा। मेजरमेंट का ध्यान दें तभी आपकी नान खटाई बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर की जगह, अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। अब यहाँ बिल्कुल मैंने 1 चम्मच जो है वो सूजी डाली है। सूजी डालने से हमारी जो नान खटाई होगी ना वो बिल्कुल दानेदार बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसा जो है ना वो हमारी नान खटाई का टेक्सचर आएगा। अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से पूरे आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो ये आटा हमारा नान खटाई का यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम नान खटाई को इस प्लेट में सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर ले लिया है, प्लेट में इस तरह से बटर पेपर लगा दें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट प्लेट में भी जो है वो घी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ, तो अच्छी तरह से घी लगा देंगे ताकि हमारी नान खटाई जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। आज हम नान खटाई कढ़ाई में बनाने जाएँ, तो यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है, इस तरह का एक छोटा सा लोहे का स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप एक बाउल या कटोरी भी स्टील की रख सकते हैं। इस तरह से पूरी कढ़ाई को कवर अप कर देंगे और 5 मिनट के लिए मैंने इसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तब तक कढ़ाई हमारी प्रीहीट होगी, हम यहाँ पर नान खटाई का शेप बनाते हैं। तो चलिए नान खटाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। जितनी भी बड़ी आपको नान खटाई चाहिए आप उतना लोई ले सकते हैं। और इस तरह से हमें नान खटाई को शेप देना है। ज़्यादा हमें जो है वो नान खटाई को चपटा नहीं करना है, छोटा ही रखना है, क्योंकि नान खटाई बनने के बाद जो है वो अपने आप में डबल हो जाती है, मतलब बेक होने पे ये फूल जाती है। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है हमें। तो इस तरह से हमें नान खटाई बना लेनी है और इस तरह से सेट कर देनी है और बिल्कुल हल्का सा जो है वो प्रेस करना है। अब एक स्पून या चाकू की हेल्प से हम इसमें क्रॉस का एक साइन बना देंगे, जिससे अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा। आप अपने मनपसंद का कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से पिस्ते को ना मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, तो हम इस पे लगा देंगे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से बेक होने के लिए तैयार है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ बहुत ही केयरफुली जो है वो हम यहाँ प्लेट जो है वो कढ़ाई पर रख देंगे और इसे कवर अप कर देंगे। 10 मिनट के बाद ज़रूर नान खटाई को चेक कर लें, कहीं आपकी नान खटाई जो है वो ओवर बेक ना हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए बहुत ही केयरफुली चेक कर लेते हैं। बहुत ही गर्म है कढ़ाई, तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है नान खटाई का, नान खटाई पूरी तरह से तैयार है। लेकिन नान खटाई को हमें ठंडा होने के लिए रखने देना है, ठंडा होने से पहले हमें नान खटाई नहीं निकालनी है। तो यहाँ ठंडा होने के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देख लिए, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बेक हुई है, दोनों साइड से अच्छी जालियाँ आई हैं,
अच्छे क्रैक्स आए हैं हमारी नान खटाई में, बहुत ही इजीली तरीके से बन जाते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। मैदे की नहीं तो आप नान खटाई जो है वो आटे की भी बना सकते हैं। अगर आपके पास घी भी नहीं हो तो आप घी की जगह डालडा, जिसे हम वनस्पति कहते हैं, और रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से बनकर तैयार होगी बिल्कुल मार्केट वाली नान खटाई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और इस लॉकडाउन में इस नान खटाई की रेसिपी को जरूर इंजॉय करेगा अपनी फैमिली के साथ। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल के सारे अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।